हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, आज डेट है हमारी 19 अगस्त 2023 और डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहला हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस डिस्ट्रिक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको बेस्ट परफॉर्मर डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये तो आप जानते हो ना, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, और जी का मतलब है ग्रामीण, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब है कि जो घर हैं, हाउसेज हैं, वो बनाकर देने हैं पूरे इंडिया के ऐसे लोगों को जहाँ पर गरीब दबके के लोग हैं, जो झुग्गियों में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको पक्के घर बना के देने हैं, पक्का हाउसेस बना के देने हैं। ऐसी स्कीम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च की थी। तो सबसे पहले ये जो स्कीम थी ना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना थी, लेकिन फिर पता चला कि शहरों में तो सही विकास हो रहा है लेकिन गाँव में नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जी फॉर ग्रामीण शुरू कर दिया, ठीक है। तो अभी हाल ही में ना सर्वे हुआ, जिसकी वजह से हमें पता चला कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है घर बनाने में, तो वो आंसर है जम्मू एंड कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो आंसर बनेगा ई ऑप्शन, ये बेस्ट परफॉर्मर के तौर पे बना है। इन्होंने 4723 घर बनाए हैं और टारगेट था इनका 4902, तो काफी अच्छा इन्होंने अचीव किया है, ठीक है। इट्स मोर देन 85%, इतना अच्छा टारगेट इन्होंने अचीव किया है, ठीक है। तो इसके लिए इनको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन है, कभी कभी सीधा भी सवाल आ जाता है, ठीक है, कि किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है या कभी कभी किस यूनियन टेरिटरी ने ये अवार्ड लिया है, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में 14वीं सेंचुरी के एक मिस्टिक पोएट जिसका नाम है संत रविदास, इन्होंने काफी सारे रिफॉर्म्स भी किए, हाल ही में इनका जो मंदिर है ना उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। सवाल है कि कहाँ रखा है, किस स्टेट में रखा है, ठीक है। तो संत रविदास जी कौन है, पहले तो इनके बारे में जान लेते हैं, फिर इनका क्वेश्चन देखते हैं। देखो, संत रविदास जी वो हैं जो कि मतलब पोएट भी थे और सेंट भी थे पुराने समय, 14वीं शताब्दी के, ठीक है। और भक्ति मूवमेंट जो है, इन्होंने, इनके द्वारा भक्ति मूवमेंट को बहुत आगे प्रचारित किया जाता है, बहुत फैलाया इन्होंने भक्ति मूवमेंट को। रविदासिया रिलीजन जो कई लोग फॉलो करते हैं उसके फाउंडर ये माने जाते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में जो है इनको ट्रिब्यूट देते हुए इनका मंदिर जो है बनाया जाएगा संत रविदास जी का, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। तो फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पे रखा है, मध्य प्रदेश। तो आंसर विल बी ई ऑप्शन। इस मंदिर की जो टोटल कॉस्ट है, पैसा कितना लगेगा, 100 करोड़ के आसपास पैसा लगेगा और ये पूरा का पूरा मंदिर बन जाएगा, ठीक है जी। सो संत रविदास जी के बारे में थोड़ा सा सवाल आपसे आता है, क्योंकि बेटा जो भी हमारा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक आपके सिलेबस में डिफाइन होता है, उसके अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, रिलीजियस मूवमेंट्स होती हैं, उन सबके फाउंडर्स वगैरह के नाम आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और उनको फैलाने वालों के नाम पूछे जाते हैं, स्पेशली जो 14वीं शताब्दी में हो, जैसे कि गुरु नानक देव जी के बारे में पूछा जाता है जो कि सिख धर्म के संस्थापक हैं, ठीक है। उसी तरीके से रविदास जी के बारे में पूछा जाता है, संत तुकाराम जी हो गए, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेंट्स हैं जिनको न्यूज़ में देख के आपने रेगुलरली याद रखना है, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेफिन ऑरा प्रोग्राम, ग्रेफिन ऑरा प्रोग्राम माइटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी ने कोची केरल के अंदर लॉन्च किया है। सवाल स्टैटिक का पूछ लिया है, बेसिक सा, कि माइटी के सेक्रेटरी कौन है। चलिए, इनका नाम है एके शर्मा, अखिलेश कुमार शर्मा, अल्केश कुमार शर्मा जो हैं, ये माइटी के सेक्रेटरी हैं। इन्होंने ग्रेफिन ऑरा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है कोची केरल में, ठीक है। अभी आखिर ये प्रोग्राम क्या है, पहले तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने साइंस में, जैसे अपन लोग साइंस में क्लासेस लगाते हैं, केमिस्ट्री की क्लास के अंदर आपको काफ़ी सारे कंपाउंड्स वगैरह कराए जाते हैं ना, जिसमें ग्रेफीन भी एक कंपाउंड है जो कि कार्बन का एलोट्रॉप माना जाता है, ठीक है जी। तो ये कार्बन का एलोट्रॉप है। आपको पता है इसका यूज़ क्या है, ग्रेफीन का इस्तेमाल टच स्क्रीन्स में किया जाता है,
डिजास्टर से. आप लोग मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करते हैं टच स्क्रीन, लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हैं टच स्क्रीन के आते हैं, स्क्रीन्स आती हैं टच स्क्रीन की बहुत ज़्यादा, है ना. और इसके अलावा एलसीडी या एलईडी टीवीज के अंदर जो है हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेफीन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अभी जनाब ये जो ग्रेफीन ऑरा प्रोग्राम है ये क्यों शुरू किया गया है, इसको शुरू करने का जो रीज़न है ना वो ये है कि एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया ग्रेफीन इंजीनियरिंग इनोवेशन सेंटर, ठीक है, IGEIC इसको शॉर्ट में हम कहते हैं. ये चाहता है कि जो ग्रेफीन की टेक्नोलॉजी इको सिस्टम है ना वो हमारे देश में थोड़ा सा ना कम है, तो उसको ना थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए, मतलब इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से इन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है. ठीक है जी, तो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट देखो डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला करने वाली है. जो कंपनी है उन्होंने ऐसा कुछ सेटअप करना है, और जो हमारे अल्केश कुमार शर्मा, इन्होंने तो जस्ट लॉन्च ही किया, इन्होंने तो बस आप कह सकते हो कि किसी भी चीज़ को इनॉग्रेट करना या फिर लॉन्च करना इनका तो इतना ही काम है. इम्प्लीमेंट करेगी इसको डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला, ठीक है, और कंपनी जो है वो IGEIC की कंपनी है, इंडिया ग्रेफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर. काम सिर्फ कितना है कि जो ग्रेफीन टेक्नोलॉजी है हमारे देश में उसको बूस्ट करना है, उसको नर्चर करना है, उसका इकोसिस्टम जो है उसको बहुत ज़्यादा सेटअप करना है. ठीक है जी, तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम शुरू किया. क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अगला सवाल है हमारे पास, किस यूनियन मिनिस्टर, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परशोत्तम रूपाला, यानी कि क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन है कि परशोत्तम रूपाला कौन है, डेयरिंग एनिमल हस्बेंड्री के जो हैं वो यूनियन मिनिस्टर हैं. इन्होंने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है ए हेल्प, विमेन को एम्पावर करने के लिए गुजरात में. ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन है, कहाँ पे किया गया, गुजरात में किया गया, ये क्वेश्चन बना. फिशरीज़ के, डेयरी के, एनिमल हस्बेंड्री के यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला है एक और सवाल है. ठीक है, ए हेल्प प्रोग्राम किसके लिए है, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, तीसरा सवाल बन गया. चौथा सवाल क्या है, ए हेल्प का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है जी, तो ए हेल्प का फुल फॉर्म पूछा है. उससे पहले अपन लोग पहले ना ए हेल्प को समझ लेते हैं ताकि अपने को प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म है वो पता चल जाए. ठीक है, तो देखिए अगर आप इसके फुल फॉर्म पे जाएंगे तो इसका फुल फॉर्म है ए क्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन. हमारे देश में देखिए लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन होता है, लाइफ स्टॉक क्या होता है, जो मीट वगैरह खाते हैं. ठीक है जी, मीट हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, ये सब क्या है, ये लाइफ स्टॉक है. ठीक है, हमारे देश में जो लाइफ स्टॉक है अगर उसको हम खा रहे हैं राइट, तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी जनरेट होनी चाहिए ना, सीधी सी बात है. ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि जो जानवर है उसकी हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ नहीं खाओगे तो आप खुद बीमार होगे. ठीक है जी, तो मतलब अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी मेंटेन करनी है और लाइफ स्टॉक को फीड भी करना है, मीट वगैरह भी खाना है, तो स्पेशली जो आपके जानवर होने चाहिए ना, जो आगे चल के आपके लिए लाइफ स्टॉक का काम करेंगे, उनकी जो हेल्थ है ना वो अच्छी होनी चाहिए. तो उसके लिए ना अभी क्या किया गया है कि विमेन को ना हम इस प्रोग्राम में एंगेज करने वाले हैं कि वो ट्रेंड एजेंट्स के तरीके से काम करें, ताकि जानवरों में बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाई जा सके. ठीक है, और मिशन क्या चल रहा है हमारे पास, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, यानी कि जो भी हमारे जानवर हैं उनको प्रॉपरली दवाइयाँ मिलती रहे, उनकी दवाइयाँ, उनकी डिजीजेस कंट्रोल में रहें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाने की ज़रूरत है तो वो चीज़ करवाई जाए. ठीक है जी, यानी कि हाइब्रिड वैरायटी से हम लोग जो है अगले से अगले जीव पैदा कर रहे हैं, तो ये सब राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मतलब काम है. अभी इसके अंदर हम लोगों ने विमेन को एंगेज करना शुरू किया, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट हम लोगों ने दिखानी है. ठीक है, तो गुजरात में हाल ही में विमेन ने ये काम भी शुरू किया है. तो इसका फुल फॉर्म क्या बना हमारे पास, एक क्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन. अगर लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन अच्छी करनी है और उससे अपने को हेल्थ अच्छी जनरेट करनी है, तो उसके लिए एक क्रेडिटेड एजेंट यानी कि विमेन ट्रेंड एजेंट्स के तौर पे काम करेंगी. तो ये हो गया हमारा ए हेल्प का फुल फॉर्म, जिसके हिसाब से अगर हम अपना ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, ये देखिए डी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन है, ई ऑप्शन, लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के लिए और एक्सटेंशन के लिए, हेल्थ के लिए एक क्रेडिटेड एजेंट्स. ठीक है जी, सो ये हुआ हमारे पास ए हेल्प का डेफिनेशन. चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कितने गैलेंट्री अवार्ड्स, हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स
आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को देने की बात की इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, ठीक है। तो देखो ये द्रौपदी मुर्मू जी अप्रूव करते होते हैं, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, वही अप्रूव करते होते हैं कि हमारे जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो कितनी संख्या में दिए जाएंगे। तो प्रेसिडेंट मुर्मू जो है इन्होंने 76 गैलेंट्री अवार्ड्स अनाउंस किए हैं, जिसमें से 4 कीर्ति चक्र हैं, पॉस्थ्यूमस यानी कि मरणोपरांत दिए जा रहे हैं, 11 शौर्य चक्र हैं जिसके अंदर 5 पॉस्थ्यूमस हैं यानी कि 5 मरणोपरांत, 2 बार सेना मेडल्स हैं, ठीक है, जो गैलेंट्री के लिए, वीरता के लिए दिए जाते हैं, 52 सेना मेडल्स हैं गैलेंट्री के लिए, वीरता के लिए, 3 नौ सेना मेडल्स हैं यानी कि नेवी में गैलेंट्री के लिए, और 4 वायु सेना मेडल्स हैं यानी कि एयरफोर्स वालों के लिए, ठीक है जी। तो ये सब अवार्ड जो है ये दिए जाएंगे, वीरता पुरस्कार दिए गए, ठीक है। तो 76 अवार्ड जो है वो अनाउंस हुए हैं, ठीक है जी, इस साल के हमारे इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, ठीक है जी, समझ आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर हमारे पास 76 यानी कि सी ऑप्शन आंसर बन गया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक बुक है जिसका नाम है कुछ अधूरे शब्द, इस बुक के ऑथर कौन है। देखिए हमारे IAS ऑफिसर हैं आशुतोष अग्निहोत्री, इन्होंने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है कुछ अधूरे शब्द। ये क्या है, ये हिंदी पोएम्स का एक कलेक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास आशुतोष अग्निहोत्री। ये छोटे छोटे ना फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि आप लोगों को बुक्स और ऑथर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो कि आपको करंट अफेयर से ही ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा इनकी और कोई बुक, ओस की थपकी, स्पंदन, कलर्स ऑफ माई वॉल, नॉट विद द सेम ब्रश, ठीक है जी। तो ये बुक जो है इन्होंने ऑलरेडी लिखी हुई है, हाल ही में इन्होंने जो लॉन्च की है, दैट इज कुछ अधूरे शब्द, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ हिंदी पोएम्स, ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले हाल ही में जो भी बुक्स लॉन्च हुई हैं एक बार रिवीजन दे दें, हम लोगों ने जो पढ़ी हुई है ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स में। मॉनसून, याद करो हमने अभय के ने लॉन्च किया था इस बुक को, ये राइटर हैं इसके। APJ अब्दुल कलाम के मेमरीज के ऊपर बुक लिखी गई थी, APJ अब्दुल कलाम मेमरीज नेवर डाई, और ये लिखने वाले इनकी एक तो मतलब नाजीमा मरायकर है, जिनके बारे में हम लोगों ने देखा था, इनकी नीस हैं, और डॉक्टर YS रंजन जो कि इसरो के अंदर जो है वो काम करते हैं, इंजीनियर हैं, इन दोनों ने मिलकर लिखी थी। पहले इस बुक को तमिल में लिखा गया था और तमिल में इसका इस तरीके से नाम था, और इसको अमित शाह ने लॉन्च किया था, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के बाद इसका ये नाम पड़ गया, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इज राग प्रकाश। राग प्रकाश ओम प्रकाश कौल ने लिखी है, जिसको हिमाचल प्रदेश के CM ने लॉन्च किया। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एज द व्हील टर्न्स, ये रंजीत प्रताप ने लिखी है, जिसको वेंकैया नायडू जी ने रिलीज किया था। अ फूल्स जर्नी सरिस्का भारद्वाज ने लिखी है, तो ये कुछ हाल ही में छपी हुई किताबें हैं जो हाल ही में रिसेंटली रिलीज हुई हैं हमारे न्यूज़पेपर्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया ने अपना 76th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2023 को सेलिब्रेट किया, थीम क्या रहा इस बार का हमारा इंडिपेंडेंस डे का। देखिए हमारे इंडिपेंडेंस डे का इस बार का जो थीम है वो थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। हमारा जो देश है ना वो सबसे आगे है, सबसे पहले है, और हमेशा सबसे आगे ही रहेगा, ठीक है। तो आंसर है इसका ई ऑप्शन, ठीक है। कुछ बेसिक से पॉइंट अपन लोग जान लेते हैं, जैसे कि नेशनल एंथम के बारे में बात करें, जन गण मन और वंदे मातरम, ये हमारा नेशनल सॉन्ग है, ये हमारा नेशनल एंथम है। इसको 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था, अडॉप्ट किया था। नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था, और नेशनल एम्बलम को 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। ये कुछ स्टैटिक के सवाल आपसे इंडिपेंडेंस डे के रिलेटेड पूछे जाते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सेंटर ने अभी अभी एक न्यू स्पेस पोर्ट बनाने के लिए अप्रूवल दिया था किस स्टेट के अंदर, ताकि छोटे छोटे जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं ना उनको कैरी किया जा सके। तो इसरो इसको डेवलप करेगा, ऑब्वियसली बात है, लेकिन बनाया कहाँ पे जाएगा स्पेस पोर्ट, ये तमिलनाडु में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, तमिलनाडु, ठीक है। तो न्यू स्पेस पोर्ट्स बनाए जाएंगे, कैपिटल है चेन्नई है, और चीफ मिनिस्टर है MK Stalin, और गवर्नर है RN Ravi। तो ये बेसिकली थोड़ी सी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, स्टेट का सवाल आता है तो, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट GMIS 2023 किस शहर के अंदर होगा 17 से लेके 19 अक्टूबर तक, ठीक है जी। मतलब
दोबारा भी आप इसको न्यूज में देखोगे, आपको चांसेस मिलेंगे न्यूज में। ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट, ग्लोबल का मतलब क्या होता है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, काफी सारे नेशंस ऑब्वियसली 40 से भी ज्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। मैरिटाइम का मतलब क्या होता है, मैर मीन्स रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू ओशियन सीज, यानी कि जो हमारा नौस्थल है, जो क्या कहते हैं नौसेना है हमारी, मैरिटाइम है, यानी कि उनके लिए जो है हमारा ये समिट होगा। इस समिट के अंदर देखिए क्या होगा कि मैरीटाइम सेक्टर के ऊपर कैसे फोकस किया जा सकता है, सभी लोग अपने अपने आइडियाज देंगे, ठीक है जी। कुछ इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर किया जाएगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जाएगा, चैलेंजेस को देखा जाएगा क्या होगा, ठीक है। सो मोर ओवर देखो, ये वाला पॉइंट आपको पेपर के लिए तो याद नहीं रखना, आपके एग्जाम के अंदर ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनेगा, लेकिन एक थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए कि अगर ऐसा समिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मैरीटाइम सेक्टर के अंदर हम इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं, ठीक है, और ऐसा समिट कहां पे हो रहा है, अब मेन सवाल ये है न्यू दिल्ली। तो आपका क्वेश्चन का आंसर है न्यू दिल्ली, ग्लोबल इंडिया समिट, और ये होगा 17 से लेके 19 अक्टूबर तक, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, तब तक के लिए फिर हैव अ नाइस डे, टेक केयर, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।